नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं एमजी नरेगा के तहत, जिन जो अपना अधिकार के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से ये गोल पुली वहाँ, ये कहेंगे कि तालाब तिलों में बैठे होते, अब मजबूरन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आज इन्हें यहाँ पर आकर अपनी बात को मीडिया के माध्यम से सामने रखना पड़ा। और इस समय लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के, ऑल एमजी नरेगा एम्प्लाइज एसोसिएशन के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा। प्रदर्शन भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर के ये प्रदर्शन की आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। लगातार युवा सड़कों पर है, आम जनता त्राही माम कर रही है। आखिर किस तरह की सरकारें हैं जिसके चलते युवाओं को, युवतियों को बाहर निकलना पड़ता है, प्रदर्शन करने पड़ते हैं अपनी हक की मांग को। यही कहा था धारा 370 और 35A के बाद खुशहाली ही खुशहाली होगी, रोजगार ही रोजगार होगा। आखिर किस तरह की तस्वीर ये सामने लाई जा रही। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम यासिर काजी। मैं आपकी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप हमारे बीच में आए, हमारे पुरसान हाल गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए। हमने सोचा था बताएंगे सर सब दर्द तुमको, ये वक्त की गवर्नमेंट और वक्त की इंतजामिया के लिए शहर है। हमने सोचा था बताएंगे सब दर्द तुमको, पर तुमने इतना भी नहीं पूछा यहाँ आए क्यों हो। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार हमारे जो 15 पहले हम 29 मई से हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद हम प्रोविंस लेवल पे आए। पिछले 16 दिनों से हम डायरेक्टरेट, जो हमारा आरडीडी डायरेक्टरेट ऑफिस बनतला में है, वहाँ हमने 16 दिन कंटिन्यूसली हमने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमारे बीच कोई भी पुरसान हाल वहाँ पे नहीं आया। इसलिए मजबूरन हम बीजेपी कार्यालय के सामने आना पड़ा। हम वक्ती गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं, मौदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे जो 3 जायज़ मुतालबात हैं, पहले हमें जो इंडक्शन ऑफ एमजी नरेगा स्टाफ, इंडक्शन ऑफ सबार्डिनेट नोट सर्विस रूल SRO 178 के तहत हमें इस महकमे में जम किया जाए। और जो दूसरी डिमांड है हमारी, यही जो हमारा कोटा फिक्सेशन, जो हाल ही में हमने पोस्टर निकाली थी पंचायत सेक्रेटरी की, जबकि हमारे पास 12-13-15 सालों का एक्सपीरियंस है लोगों के पास, हमें कोटा दिया जाए, फिक्सेशन है कोटा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, कुछ लोग हमारे अवरेज हो चुके हैं। अब कुछ जो हमारा गोल्डन टाइम था वो महकमे को दिया, अब वो लोग कहाँ जाएंगे, किस धर पे जाएंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे। हम गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारी जो जायज़ मुतालबात है हमारी फुलफिल हल करो। तो तीसरी हमारी जो डिमांड है वो इमीडिएट हाइक सैलरी, हम चाहते हैं कि हमारे 806 रुपये में कोई मसला हल नहीं होता है इस इन्फ्लेशन दौर में, महंगाई की इस दौर में, मतलब बहुत की सैलरी 800 है, 800 सबसे, मतलब इस हिंदुस्तान की इस क्रोन स्टेट में, यूटी में, हिंदुस्तान के ताज में, यहाँ के सबसे छोटे मुलाजिम GRS को 800 रुपये तनख्वाह है। हमारे साथ बहुत सारे विंग्स हैं जी, हमारे पास MIS ऑपरेटर हैं, PO साहिबान हैं, अकाउंट असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और GRS सारे लोग हम RDD में पिछले 12-13 सालों से महकमे में काम कर रहे हैं और कोई कसर बाकी नहीं रही डिपार्टमेंट को 4 चांद लगाने में, कोई कसर वक्तन फ़क्तन जो हमने कीमती वक्त वो डिपार्टमेंट को दिया। इसलिए हमें मौदबाना गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट से, खुदारा और वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन से, वक्त LG कॉर्नर से, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 जायज़ मुतालबात है वो फुलफिल हर करो। 15 दिन से लगातार RDD डिपार्टमेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या डिपार्टमेंट का कोई आला अधिकारी आपसे बात करने आया, क्या प्रशासन का कोई रिप्रेजेंटेटिव? मैंने आपको पहले ये सोचा था, हमने सोचा था बताएंगे दर्द तुमको, हमने पहले ही मैंने ये बताया, कोई भी पुरसान हाल नहीं हमारे। आपका दर्द सुनने वाला कोई था? कोई नहीं मैडम, कोई नहीं। हम ये भी नहीं यहाँ तक भी गुजारा नहीं किया, आप लोग आए क्यों हो यहाँ, किसी ने इतना भी हमारे जो भी हमारे जो वहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट्स हमारे ऑफिसर हैं, किसी ने ये भी नहीं मुनासिब समझा, इनको पूछेंगे ये लोग क्यों आए हैं। तो आज अब यहाँ पर आए, आपको क्या लगता है आपका दर्द हाल सुना जाए? हमें पूरी उम्मीद है वक्त की गवर्नमेंट से, हमें पूरी उम्मीद है LG एडमिनिस्ट्रेशन से, वक्त के रूलिंग पावर जो सेंटर में है BJP, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात पे उन पर फिलफौर अमल किया जाए और हम शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए हम यही दुआ करते हैं, आपकी उम्मीद शुक्रिया पूरी हुई। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं समय, महिलाएं भी इनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में, ये लोग पिछले 15 दिन से तो RDD डिपार्टमेंट के बाहर खड़े थे और अब ये यहाँ पर आकर बैठे हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम शशि शर्मा है। शशि जी कहाँ से आते हैं? मैं पोनी ब्लॉक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी से। जी। क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे लाओ, आज वही हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियाँ भी सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है, तो क्या कहोगे मैम? क्या कह सकते हैं, इतनी कड़कती धूप में हम इधर बैठे हुए हैं, क्या कह सकते हैं? जब आप बोल रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप अगर किसके लिए बचाएंगे? ये जो हालत बैठने के लिए, इधर धूप में बैठने के लिए, तड़पने के लिए, मरने के लिए, कब से 14-14 साल से हम सर्विसेज दे रहे हैं, आज तक इन्होंने हमारी सिर्फ 6,800 सैलरी है, उसमें हम क्या करेंगे?
ठीक है ना मैम? कहाँ जा कहना चाहेंगे यहाँ एलजी मनोज सिन्हा जी से? मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से, एलजी साहब से, कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम लोग वापस जाने वालों से नहीं हैं। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, हमारे जायज़ मुतालबे पूरे नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें जहाँ कहीं भी बैठना पड़े हम बैठेंगे, हम गवर्नमेंट को जगा के जाएंगे। ये हमारा वादा है गवर्नमेंट से, हम जगा कर जाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये गढ़ बनता जा रहा है भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर, कि आए दिन कभी NYC, कभी रहबरे खेल, कभी MG नरेगा, उधर भी आप देख रहे हैं इसे कड़ती टेम्परेचर में, इतनी कड़कती इस समय गर्मी में जो कि पीक पर है, और ये लोग यहाँ पर अपने हक की मांग को लेकर आए हैं। और आप खुद देखिए, आज 15 दिन के बाद ये भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर आए, अभी भी कह रहे हैं उम्मीद है कि जो इस समय गौर इंतजामिया वो ज़रूर हमारी बात पर अमल करेगी और हमें अपना अधिकार मिलेगा। इनका कहना है इंडक्शन ऑफ MG नरेगा एम्प्लाइज बाई मेकिंग अमेंडमेंट इन सबॉर्डिनेट सर्विसेज, और साथ ही साथ फिक्सेशन कोटा सैंक्शन पोस्ट का RDD डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ इनकी जो सैलरी है उसे हाइक किया जाए लगातार। ये कितने सालों से 6,800 रुपये पे में काम कर रहे हैं, और खुद सोचिए कितना परेशानी का आलम है और किस कदर ये अपना परिवार घर चलाते होंगे। हम आप इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे लोग भी जिनकी शायद रिटायरमेंट के बिल्कुल पास होंगे, और दूर दराज से ये लोग आए हैं। मेरा नाम पवन है मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। जी जी जी, यहाँ 15 दिन। हाँ मैडम जी, आप देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आज कितना ठंडा मौसम होता है, उसके बावजूद भी आज हमें 16वां दिन है इधर कंटिन्यू में। देखो टेम्परेचर, आज टेम्परेचर 40 से ऊपर है मैम। हम इस तरह इतनी धूप में हम यहाँ बैठे हैं। आखिर क्यों अपनी मांगों के लिए आप लोगों को किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें सड़कों पर ही आना पड़ता है? मैडम जी, हमने पहले हमारी 2018 में कमेटी बनी, डिपार्टमेंट हमें बार बार ठगाता गया, इसके बाद हमने देखा 2 साल कुछ नहीं किया, उसके बाद हम फिर दोबारा सड़कों पे आना पड़ा, हम मजबूर हैं इस वजह से हम सड़कों पे हैं। कमेटियां बनाने का क्या फायदा जब आपकी बात ही नहीं? मैडम जी, कमेटियां बनाते हैं वो सिर्फ कागजों तक है, उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। हाँ, ये सिर्फ कागजों में ही है, हमें हर बार ठगा के वापस भेजा जाता है और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। डिपार्टमेंट में हम हर काम करते हैं मैडम जी, नरेगा के अलावा जितने भी हैं, PMAY है, 14th FC है, कैपेक्स बजट है, हम सारी स्कीमों में काम करते हैं। कोई भी स्कीम है, हम नरेगा में हैं मगर हम काम सारा करते हैं। आपने देखा इस समय भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर ये अब गढ़ बन गया है, कि जो भी कोई आता है उम्मीद लेकर आता है कि कम से कम भाजपा के जो यहाँ पर नेतागण बैठे हैं इनकी आवाज़ को जल्दी सुनेंगे, क्योंकि आगे पीछे अगर प्रोटेस्ट करेंगे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। शायद यहाँ बिल्कुल पास में आकर इनकी आवाज़ सुनाई दे। ये वो लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं पर इनको मिल रहा है 6,800 रुपया, और खुद सोचिए कमेटियाँ का गठन तो किया जाता है पर वो कमेटियाँ किस काम की अगर इनकी परेशानियों का हल नहीं किया जाता। कमेटियाँ बनाना अगर सही है तो कहीं ना कहीं इनकी परेशानियों का हल करना भी सही है। आप खुद सोचिए लगातार पिछले 15 दिन से RDD डिपार्टमेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, पर कितनी लापरवाही और कितनी मायूसी ये लेकर वापस आया है। डिपार्टमेंट की कितनी लापरवाही थी कि कोई भी आला अधिकारी इनकी सुध पूछने नहीं आया। इतने टेम्परेचर में, इतनी ह्यूमिडिटी में ये लोग, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, दूर दराज से ये युवा आए हैं और लगातार पिछले 15 दिन से अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और थक हार कर इन्होंने अब रुख किया है भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। ये जगह हमने पहले ही कहा कि गढ़ बनता जा रहा है, कि उम्मीद है अभी भी कि जो अभी गवर्नर इंतजामिया है या ये कहेंगे सरकारें हैं, जो इस समय रूलिंग पार्टी की जो सरकार है वो जरूर इनकी परेशानी का समाधान करे। अब देखना यह है कि आज का ये प्रदर्शन क्या भाजपा के नेताओं को जगा पाएगा, क्या इन तक पहुंचा पाएगा, ताकि आने वाले समय में जो इनकी परेशानी है लगा कितने सालों से कम उसका समाधान हो। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।